क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी का एक ऐसा सच जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक मंदिर ऐसा विद्यमान है जो प्रमाण है हनुमान जी के विवाह का। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुरवरचला था। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी के व्रत में ही हैं। विवाह करने का अर्थ यह नहीं है कि वे ब्रह्मचारी नहीं रहे। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंग बली को सुरवरचला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। इस संबंध में कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी भगवान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य देव के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वे धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहां से मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्य देव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुरवरचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुरवरचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गईं। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। दोस्तों, हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद पति पत्नी के चल रहे सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। जय बजरंगबली।